ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे फिर सूरज ही क्यों ना हो। हाय, मैं सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा है समाकलन क्रम से। इसके अंतर्गत देखेंगे आप वीडियो नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स टू प्लस साइन एक्स डीएक्स ए पार्ट। आंसर, माना आई बराबर कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स टू प्लस साइन एक्स डी एक्स। ऊपर वाले तो माने नहीं जाते, कोष्टक वाले माने जाते हैं, बटे वाले। तो माना साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। आई बराबर ऊपर वाला तो डी टी में चला गया, बच्चा क्या वन प्लस टी टू प्लस टी डी टी। इसे आपको आंशिक भिन्नों से अलग अलग करना पड़ेगा। चलिए अलग अलग पहले ही कर लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग कर लिया, अब चेक करते हैं कि किसकी कमी रह गई। यहाँ पर बीच में माइनस चिन्ह क्यों लगाया, यहाँ भी टी प्लस का, यहाँ भी टी प्लस का, तो बीच में माइनस लगाएंगे तभी टी टी कटेगा। ऊपर कांस्टेंट आ सकता है लेकिन फंक्शन नहीं आएगा। ठीक है, कैची का गुणा किया टू प्लस टी माइनस वन प्लस टी माइनस टी, तो क्या एक ही बचेगा, यानी पूरा का पूरा रखा है, किसी की भी आवश्यकता आपको नहीं है। वन अपॉन वन प्लस टी डी टी माइनस वन अपॉन टू प्लस टी डी टी। आई बराबर लॉग वन प्लस टी माइनस लॉग टू प्लस टी प्लस सी। आई बराबर लॉग वन प्लस टी अपॉन टू प्लस टी प्लस सी। लॉग एम माइनस लॉग एन सूत्र लगा दिया उसमें, क्या बात है। आई बराबर लॉग वन प्लस टी टू प्लस टी प्लस सी, आई बराबर टी बराबर जो भी माना है वो मान रख दिया, वन प्लस साइन एक्स टू प्लस साइन एक्स प्लस सी। और ये रहा आपका उत्तर। आया समझ नहीं आया वो हम आपको फिर से बता रहे हैं। कॉस एक्स बटे वन प्लस साइन एक्स टू प्लस साइन एक्स, तो ऊपर वाले मानने की कंडीशन तो जब आती है जब ऊपर लॉग वाला फंक्शन दिया हो या फिर इनवर्स फंक्शन दिया हो। नहीं है, त्रिकोणविधि फंक्शन है। जब त्रिकोणविधि फंक्शन है तो बटे वाला माना जाएगा, साइन एक्स से कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चले गए, ये बचा। हाँ, ये हमने डायरेक्ट करने की कोशिश की है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप निश्चित रूप से उसी प्रकार जैसे आंशिक भिन्नों को अभी तोड़ा था आपने, ये बराबर ए बटे वन प्लस टी प्लस बी बटे टू प्लस टी, लघुतम लेके ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, तो ए और बी का मान निश्चित रूप से वन और माइनस वन आएगा। जब वन और माइनस वन आएगा, ये दोनों लॉग के फंक्शन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बटे एन बन गया, टी का रख दिया मान। बी पार्ट, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन
साइन एक्स माइनस वन, साइन एक्स माइनस थ्री डी एक्स। तो शायद आपके समझ आ रहा होगा कि बिल्कुल जैसे अभी प्रश्न किया है, अगर उसे कर लिया है तो आप इसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि माना किसे मान लें, साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, आई बराबर ऊपर वाले तो डी टी में चले गए, यहाँ क्या बचा टी माइनस वन और टी माइनस थ्री डी टी। माइनस चिन्ह की आपको प्रॉब्लम ना आए डायरेक्ट तोड़ते टाइम, इसलिए छोटे खंड को पहले लिखिए और बड़े खंड को बाद में, तो जो माइनस चिन्ह की समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी। इसे हम अलग अलग कर दिए, टी माइनस थ्री माइनस वन अपॉन टी माइनस वन और डी टी। चेक करेंगे इसका यहाँ गुणा होगा टी माइनस वन माइनस टी, टी टी तो कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस के थ्री हो जाएंगे और माइनस का वन था दो ज़्यादा लिखे, तो वन अपॉन टू आपको आगे लिखना पड़ेगा। आगे कहाँ पर आ गए, वन अपॉन टू आगे लिख लिया और वन अपॉन टी माइनस थ्री डी टी माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन वन अपॉन टी माइनस वन डी टी। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर एक बटे दो, दोनों से कॉमन है बाहर कर दिए, ये क्या बना लॉग टी माइनस थ्री माइनस लॉग टी माइनस वन प्लस सी। आई बराबर एक बटे दो लॉग टी माइनस थ्री टी माइनस वन प्लस सी, टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वन अपॉन टू लॉग साइन एक्स माइनस थ्री साइन एक्स माइनस वन प्लस सी, दैट इज योर आंसर। ओके, ये वही है, यहाँ से जो ये प्राप्त हो रहा है वो क्या है, आपको आंशिक भिन्नों से अलग अलग फैक्टर करने हैं और ये आएंगे। अगर आपको ठीक से डायरेक्ट निकालना नहीं आ रहे हैं तो आप विधिवत तरीके से तोड़िए एक एक पार्ट को, उसके बाद उसे हल करने की कोशिश कीजिए। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स वन प्लस लॉग एक्स थ्री प्लस लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है आंसर। आई बराबर वन अपॉन एक्स कोष्टक वन प्लस लॉग एक्स थ्री प्लस लॉग एक्स डी एक्स। माना लॉग एक्स बराबर टी वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, आई बराबर वन अपॉन एक्स डी एक्स डी टी में चले जाएंगे, ये वाले एक बचा क्या वन प्लस टी, यहाँ बचा थ्री प्लस टी डी टी। ये प्रश्न अभी किया ही था आपने, अब अलग अलग करेंगे क्या मिलेगा, वन प्लस टी थ्री प्लस टी और डी टी, ये तीन होंगे, माइनस का एक होगा, दो ज़्यादा लिख गए, एक बटे दो आ गए, अभी किया है प्रश्न आपने तो कोई दिक्कत नहीं है। वन प्लस टी डी टी माइनस वन अपॉन थ्री प्लस टी डी टी प्लस सी, बाद में जोड़िएगा कोई दिक्कत, एक बटे दो लॉग वन प्लस टी माइनस लॉग थ्री प्लस टी प्लस सी
एक बटे दो लॉग एम बटे एन प्लस सी, और जब मान रखेंगे तो उसका मान रख दिया, क्या माना है आपने, लॉग एक्स, तो वन प्लस लॉग एक्स अपॉन थ्री प्लस लॉग एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप आगे भी ऐसे ही प्रश्न करेंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।